हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं 11th फिजिक्स की। ठीक है, 11th फिजिक्स क्या, हम बात ही करते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स होता क्या है, कैसे फिजिक्स को पढ़ना है, टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स के अंदर, आगे आगे हमारे फिजिक्स पढ़ने के तरीके किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं अपनी। बच्चों मेरा नाम है आमिर अली, मैं हयात एजुकेशनल सर्विसेज में फिजिक्स फैकल्टी हूं और इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं हजारों बच्चों को लाइव, जो बच्चे करते हैं नीट और जेईई की प्रिपरेशन। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आगे और हम ये देखते हैं कि इस क्लासरूम सेशन के अंदर ये जो हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं बच्चों, इसके अंदर कैसे हम फिजिक्स को आप लोगों के लिए आसान बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही बच्चा 10th से 11th क्लास में एंटर करता है, अब 10th के अंदर जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत माइनर सा लेवल होता है, बहुत बेसिक सा लेवल होता है। जैसे ही बच्चा 11th क्लास में एंटर करता है, चीज़ें बहुत तरीके से बदल जाती हैं और स्पेशली फिजिक्स बहुत तरीके से बदल जाती है। फिजिक्स के लेवल में, आपके सोचने के लेवल में, आपको विजुलाइजेशन करने के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर हमने 11th स्टैंडर्ड पर आकर फिजिक्स को विजुलाइज नहीं किया, फिजिक्स को महसूस नहीं किया, फिजिक्स से प्यार नहीं किया, तो हम आगे फिजिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेटा। अब इसी काम को आसान करने के लिए हमने ये सेशन तैयार किया है कि हम आपका जो फिजिक्स का पूरा कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पूरे कोर्स के अंदर किस तरीके से हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो 11th और 12th की फिजिक्स में मायने रखती है, वो है विजुलाइजेशन, कि चीज़ें हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा फेनोमिना कैसे हो रहा है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा ना बेटा कि कौन सा फेनोमिना कैसे हो रहा है, तब तक आप फिजिक्स को महसूस नहीं कर पाएंगे। अब तक हम क्या करते थे, हम मार्कर और वाइट बोर्ड का यूज़ करते थे फिजिक्स को समझने के लिए। उससे हमें फिजिक्स थियोरिटिकली तो समझ आती थी, लेकिन वो फिनोमिना प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है ये थोड़ा सा हमारी पहुंच से परे था, यानी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते थे कि भाई कौन सा फिनोमिना कैसे हो रहा है। अगर हम बात करें एक ओवरऑल परसेंटेज की, तो सिर्फ 20% स्टूडेंट ही वाइट बोर्ड टीचिंग, यानी मार्कर और वाइट बोर्ड की जो टीचिंग है, उसे अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से विजुलाइज कर पाते थे। 80% स्टूडेंट्स ऐसे रहते थे कि यार ठीक है, डेरिवेशंस हैं, हम लोगों ने पढ़ ली, याद कर ली, दो चार न्यूमेरिकल हम लोगों ने बना लिया, हो गया काम। लेकिन अब वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि वो जो 20-80 का रेशो है वो पूरा 100 और 0 पर आ जाए। यानी जो भी स्टूडेंट हमारे सेशन के साथ जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े हैं, वो फिजिक्स को महसूस कर पाएँ, वो फिजिक्स को विजुलाइज कर पाएँ। जब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आप फिजिक्स को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेटा डिजिटल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ में फिर चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी फिनोमिना आपको होते हुए दिखाई देता है, तो आई थिंक उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को महसूस करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान तो हो ही जाता है कि भाई कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है। अब यही सभी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर बेटा। ठीक है, देखिए हम जैसे 10th क्लास में और 12th क्लास में बहुत सारे रजिस्टर के सर्किट्स पढ़ते हैं, करंट यहाँ से पास होगी। ठीक है, अब वही चीज़ अगर आपको होते हुए दिखाई दे कि करंट कहाँ से पास हो रही है और किस तरीके से पास हो रही है और एनर्जी किस तरीके से कंज्यूम होगी, तो आप लोगों को उस चीज़ के अंदर एक तो आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ जो एक फिजिक्स फोबिया है ना बेटा आपके अंदर, कि भाई फिजिक्स से हम लोगों को डर लगता है या 11th क्लास के अंदर पहुंचकर बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को फिजिक्स से, वो फिजिक्स फोबिया आप लोगों के अंदर पूरी तरीके से निकल जाएगा। और हेल्प करेंगे हम आपकी फिजिक्स फोबिया से उभरने के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिजिटल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ में आपकी क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, ओके, अब आप देखिए जस्ट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कुछ इस तरीके से होता हुआ दिखाई दे, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से होता हुआ दिखाई दे, तो आप लोग उसे
बेहतर तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, किस तरीके से बॉल मोशन करती है। सो ओवरऑल बिल्कुल जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास में बेटा, वो ये है कि हमें आपके क्लासरूम एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, और उस क्लासरूम एक्सपीरियंस को बेहतर बिल्कुल ऐसे ही बनाया जा सकता है। क्लासरूम एक्सपीरियंस क्यों बेहतर हम बनाना चाहते हैं, आप उसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए बेटा। क्लासरूम एक्सपीरियंस हम बेहतर सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे मैथमेटिक्स की ब्रांच से हो और चाहे बायोलॉजी की ब्रांच से हो, यानी नीट एस्पिरेंट्स हो या जेईई एस्पिरेंट्स हो, फिजिक्स में कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम आती है। और सबकी जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, वो एक है, वो है फिनोमिना को विजुलाइज नहीं कर पाना। अगर आप फिनोमिना को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं तो फिजिक्स की प्रॉब्लम बनाने में आपको बड़ी परेशानी आने वाली है। बस उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कुछ इस तरीके के एनिमेशंस का यूज़ करेंगे जिससे कि आप उस फिनोमिना को विजुलाइज कर पाएँ। ठीक है, ओके बेटा, देखिए कुछ इस तरीके के फिनोमिना हैं आपके सामने स्टूडेंट, जिनसे आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और फिजिक्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो आप फिजिक्स को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। कोई डेफिनेशन, कोई डेरिवेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो एक हमारी पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि चीज़ों को रटना है, उसके बाद कॉपीज़ के अंदर लिखना है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा, और एक जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है ना फिजिक्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। जब हम हज़ारों बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, तो वहाँ भी हम यही बात बताते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को दे रहे हैं इस इंटरेक्टिव टीचिंग टेक्नोलॉजी के साथ। अब वही पैटर्न हम अप्लाई करना साथ चाहते हैं हयात के स्टूडेंट्स पर बेटा, कि आप लोग भी एक अच्छी टीचिंग को एक्सपीरियंस कर पाएँ और फिजिक्स के फिनोमिना को होते हुए देख पाएँ। तो बेटा ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। हम इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको आज फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि हम क्या पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो सब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में। हमने सिर्फ ये बात की है कि कैसे आप अपने फिजिक्स फोबिया से उभर सकते हैं, कैसे फिजिक्स फोबिया से आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और उसे उभरने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, सिर्फ एक तरीका है, वो है चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे, किसी फिनोमिना को आप महसूस नहीं करेंगे, आपके चारों तरफ फिजिक्स है, आपके चारों तरफ फिजिक्स है, और जब तक वो फिजिक्स आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई भी फिनोमिना आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तब तक तो फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप फिजिक्स के अंदर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं बेटा, तो इन सभी चीज़ों को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ हम आपके सामने क्लासरूम के अंदर आने वाले हैं बेटा। मंडे से आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर होगा, वहाँ हम जानेंगे कि वॉट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, नीट एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, जेईई एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, हयात की जो फुल प्रूफ सिस्टम है, किस तरीके से हम हयात में बच्चों को लेकर चलते हैं, कैसे आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कैसे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी जेईई के लिए, नीट के लिए, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे की क्लास में स्टूडेंट्स।